अच्छा काशिफ अनवर साहब, एक्सपेक्टेशन गुज़िश्ता को देखते हुए करंट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है सर आपकी इस फिस्कल बजट में? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगले साल जो टैक्स का टारगेट रखा गया है वो 9,200 अरब रखा गया है, और इस साल का जो टारगेट था वो 7,500 के करीब था, वो आपका पूरा नहीं हो सका। अब अगले साल जब आप इतना बड़ा टैक्स का टारगेट रख रहे हैं तो इसका मतलब है वही होगा जो हर साल होता था कि आप ऑलरेडी टैक्स नेट के ऊपर जो लोग हैं आप उन्हीं पर टैक्स बढ़ाएंगे, आप अपने विदहोल्डिंग के रेट्स को बढ़ाएंगे, आप और डिवेल्यूएशन करेंगे, इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही, आपके जॉब लॉसेस हो रहे हैं, टेक्सटाइल आपकी बंद हो रही है, कंटेनर्स आपके पोर्ट पे खड़े हैं, जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तब तक आपके फिनिश गुड्स नहीं बनेंगी। तो पहली बात तो ये कि चले ये साल में फ्लड्स आए, हमारा बहुत नुकसान हो गया, इंडिया उसकी यूक्रेन की और रशिया की वॉर हो गई, चले उससे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, हमें अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमें पोर्ट्स पे अपने इंपोर्ट के कंटेनर्स को रोकना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा, हालात साजगार रहेंगे, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, लेकिन जो मदर ऑफ ऑल इवल्स है वो हमारे लिए इस वक्त डिवेल्यूएशन है। हम जब तक अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आपका इनपुट कॉस्ट कम नहीं होगा, तब तक आप एक्सपोर्ट के लिए फिजिबल नहीं रहेंगे, तब तक आप यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, तब तक आप रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट में है वो अपनी डिवेल्यूएशन को कंट्रोल करना है, अपनी किटी में डॉलर्स को लाना है। और मैं ये समझता हूँ कि हम मुस्तकबिल करीब में अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, हमें कुछ और एवेन्यूज ऐसे अडॉप्ट करने होंगे कि आपकी किटी के अंदर डॉलर्स आए। अच्छा। उसके और भी हैं, आपको अपने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज को रिक्वेस्ट करनी होगी, लेकिन बात यह है वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते, आप वो कैसे आपके मुल्क के अंदर पैसे भेजें। यस, हम गवर्नमेंट से क्या कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं, लाहौर चैम्बर बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अनडिक्लेयर्ड जो फॉरेन रिजर्व्स हैं आपके पास, आप उसकी कोई डिक्लेरेशन अनाउंस करें। यू नीड फॉरेन रिजर्व्स इन योर किटी। इस वक्त ये नहीं देखना कि व्हाइट क्या है, ग्रे क्या है, ब्लैक क्या है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिफॉल्ट। अगर आपकी किटी में पैसे नहीं आएंगे तो फिर आर वी गोइंग टू डिफॉल्ट? बिकॉज इसहाक डार साहब से जब कहते हैं, ही सेज एंड ही अश्योर्स दैट देयर इज नो चांस ऑफ डिफॉल्ट इन एनी नियर फ्यूचर, डू यू थिंक सर दिस इज वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट? देखिए, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत कैपेबिलिटी है, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमें उन एवेन्यूज को भी चेक करना चाहिए जो एवेन्यूज अनटच्ड हैं। आपका वो पैसा, आपके वो डॉलर्स जो आपके मुल्क से जा रहे हैं, आपके घर में पड़े हैं, आपके बैंक में पड़े हैं, उस पैसे को आप स्टेट की किटी के अंदर होना चाहिए ताकि स्टेट के रिजर्व्स बढ़ें और जो रुपी पे प्रेशर आ रहा है वो रुपी पे प्रेशर कम हो, क्योंकि जब तक वो कम नहीं होगा तब तक आपके मुल्क के अंदर सनत नहीं चलेगी, तब तक आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा।